गुड मॉर्निंग छात्रों, सुप्रभात। एक बार फिर हम 2020 में तीसरा जो व्याकरण का बिंदु पूछा जाता है वह है मुहावरे। मुहावरे जो है वो चार अंकों के लिए पूछे जाते हैं, इसके चार अंक होते हैं। मुहावरों को परीक्षा में दो तरह से पूछा जाता है। पहला जो पूछा जाता है, या तो मुहावरे दिए जाएंगे आपका इनका वाक्य में प्रयोग करना, दूसरा है वाक्य में प्रयोग होंगे और रिक्त स्थान होंगे उसमें उचित मुहावरे भरने होंगे। तो 2020 में तीनों सेक्शन की कुछ मुहावरे दिए गए हैं, आइए हम इन मुहावरों के बारे में जानकारी प्राप्त करें और इसका अभ्यास भाग करें। आपकी पाठ पुस्तकों पर आधारित जो मुहावरे हैं, ज्यादातर वह मुहावरे परीक्षा के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो यहाँ कुछ मुहावरे दिए गए हैं, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। विद्यार्थी यहाँ मुहावरे का अर्थ आपको नहीं लिखा, मुहावरों का अर्थ सिर्फ आपको जानना है और उसी मुहावरे अर्थ के अनुरूप आपको वाक्य में प्रयोग करना होता है। जैसे पहला मुहावरा है कि आंखों में धूल झोंकना, आंखों में धूल झोंकना, ये एकांकी जो है कारतूस से लिया, आपका एकांकी जो है कारतूस उससे यह मुहावरा परीक्षक ने उठाया है। तो आंखों में धूल झोंकना धोखा देना, तो यह नहीं कि आप पाठ पुस्तक के ही वाक्य प्रयोग करें, अपने शब्दों में भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। जैसे चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग गया, तो आंखों में धूल झोंकना धोखा देना और गायब। कूट कूट कर बना पूरी तरह से, रमेश के मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है, रमेश के मन में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। हक्का बक्का रह जाने, हक्का बक्का रह जाने तथा वगैरह कथा से है ये हक्का बक्का रह जाना, हैरान रह जाना, हैरान हो जाना, परेशान हो जाना। हक्का बक्का, शेर को अचानक सामने देखकर रमेश हक्का बक्का रह गया, या ततारा पामीरों को सामने देखकर हक्का बक्का रह गया, ये पाठ से संबंधित। अपने पैरों पर खड़े होना, अपने पैरों पर खड़े होना स्वावलंबी बनना, श्याम परीक्षा में कठिन परिश्रम करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया, अर्थात नौकरी से मिल गई। तो श्याम परीक्षा में कठिन मेहनत करके अपने पैरों पर खड़ा हो गया। आड़े हाथों लेना भला बुरा कहना, शरारती विद्यार्थी को शिक्षक ने आड़े हाथों लिया, शरारती विद्यार्थी को शिक्षक ने आड़े हाथों लिया। लोहे के चने चबाना, यह आपका जो है बड़े भाई साहब से मुहावरा था, लोहे के चने चबाना अर्थात कठिन परिश्रम करना, घोर परिश्रम करना, आईएएस की परीक्षा पास करना लोहे के चने चबाने के बराबर है, आईएएस की परीक्षा सफल करना लोहे के चने चबाने के बराबर है। ईद का चांद होना, दिखाई ना देना, रमेश जब से आपकी 10 लाख की नौकरी लगी है तब से आप ईद का चांद हो गए, रमेश जब से आपकी 10 लाख की नौकरी लगी हुई है तब से आप ईद का चांद हो गए हैं। लाल पीला होना, गुस्सा होना, झूठ बोलते देखकर माता ने बच्चे पर लाल पीली हो गई, या झूठ बोलते बच्चे को देखकर माँ लाल पीली हो गए। अपना ही राग अलापना, बार बार कहना, इसलिए ततारा मामीरो से यह पूछा गया था, ततारा मामीरो जो हमारा पाठ है उससे यह है बार बार एक ही बात को कहना। महिमा सुबह से बार बार एक ही राग अलाप रही है, मुझे विद्यालय की तरफ से घूमने के लिए मसूरी जाना है। उड़ती चिड़िया पहचानना, अनुभव होना, तुम तो बड़े अनुभवी व्यक्ति हो, उड़ती चिड़िया के को पहचान लेते हो,
अनुभव होना रजनियों को पकड़ लेना। मुक्ति आना पराजित होना, घमंडी पहलवान अखाड़े में मुक्ति खा गया, मुक्ति खा गया अर्थात पराजित हो गया। इस प्रकार विद्यार्थी आपको 2020 के प्रश्न पत्र में कुछ मुहावरे दिए गए थे। मुहावरों का वाक्यों का आप अपने शब्दों में कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि पाठ पुस्तकों में दिया है, बशर्ते मुहावरों का प्रयोग तभी आप अच्छी तरह से कर पाएंगे जब मुहावरों के अर्थ आपको स्पष्ट हो। इसलिए पाठ का जो मुहावरे दिए गए हैं उसको नियमित रूप से आप पढ़ते रहेंगे। धन्यवाद।